हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आए हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल को कम्बाइंडली देखेंगे। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने इनको एक जगह करके आपके सामने प्रेजेंट किया है कि कोई भी क्वेश्चन इन इस वीडियो को मिला के, जो भी अर्लियर वीडियो हमने प्लेटो और एरिस्टोटल पर डाला है, उन इन सबको अगर आप मिला के देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, आई होप कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं जो अभी तक कवर नहीं हुआ है। बट ये है कि इन वीडियोस को अगर आप मिला के, अर्लियर वाले वीडियो को मिला के और इस वीडियो को मिला के अगर आप देखते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव या थ्योरी वाले वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इन द जो कैथारसिस का वर्ड मतलब है, व्हाट इज़ द वर्ड कैथारसिस सिग्निफाइज, तो ये इसका मतलब होता है प्योरिफिकेशन एंड पर्गेशन ऑफ इमोशन स्पेशली पिटी एंड फियर, और ये आर्ट वर्क के थ्रू अराउज होता है। देन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सोल ऑफ ट्रेजेडी किसको कहते हैं? एरिस्टोटल ने सोल ऑफ ट्रेजेडी प्लॉट को बोला है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट्स बताए हैं, जिसमें प्लॉट है, कैरेक्टर है, डिक्शन है, थॉट है, स्पेक्टिकल सेंस, सॉन्ग है। मिमेटिक क्रिटिसिज्म को इमिटेशन बोला जाता है। तो मिमेटिक क्रिटिसिज्म जब भी आए तो आप बस एक बात याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है इमिटेशन, और अगर इमिटेशन वर्ड है तो आप उस पर टिक कर दीजिए। पेरिपेटिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ सरकमस्टेंसेस और टर्निंग पॉइंट। हेमर्शिया का मतलब होता है एरर ऑफ जजमेंट। इस तरीके के सभी शब्दों को हमने एरिस्टोटल वाले वीडियो में डील किया हुआ है, आप उसको विजिट कर लें, पूरा आपको टर्म वहां मिल जाएगा। फिर यूजीन बर्टोल्ट फेडरिक ब्रेचिट, ये एक जर्मन ऑथर थे, और इन्होंने एरिस्टोटेलियन कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक प्ले एज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, इस कंसेप्ट को इन्होंने डिस्कार्ड किया था, रिजेक्ट किया था। तो प्ले मतलब ट्रेजिक प्ले, जैसा कि एरिस्टोटल कहते थे कि ये एक रियलिटी का इमिटेशन होता है, इस कंसेप्ट को यूजीन ने, जो कि एक जर्मन ऑथर हैं, उन्होंने रिजेक्ट किया था इस कंसेप्ट को एरिस्टोटल के। प्लेटो सेंसर्ड पोइट्री बिकॉज ही बिलीव इट एज डिस्टॉर्टेड रियलिटी। प्लेटो ने पोइट्री को इसलिए डिस्कार्ड किया है अपने रिपब्लिक स्टेट से, क्योंकि उनको लगता था कि पोइट्री जो है और जो पोइट्स हैं ये रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करते हैं, उसको मतलब तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं, एज इट इज़ नहीं लिख पाते हैं। इन एरिस्टोटल पोइटिक्स ही डिफाइंड ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कम्प्लीट एंड होल ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड हैविंग अ बिगनिंग मिडल एंड एन एंड। देखिए, ये ट्रेजेडी का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक शब्द जो है इसमें से निकाल देगा और फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करके दे देगा ऑप्शन में कि कौन सा शब्द यहाँ अप्रोप्रिएटली फिट बैठेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। एरिस्टोटल इन पोइटिक्स आर्ग्यूड दैट पोएट्री प्रोवाइड अ सेफ आउटलेट फॉर द रिलीज ऑफ इंटेंस इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर थ्रू कैथारसिस। उनका ऐसा मानना था, एरिस्टोटल का ऐसा मानना था कि जो पोइट्री है वो बहुत ही सेफली ये काम कर पाती है, आपको प्योर कर पाती है पर्गेशन के थ्रू, कैथारसिस के थ्रू। सो यस, वो बहुत ही सेफली पिटी एंड फियर वाले इमोशन को रिलीज कर पाती है। इन पोइटिक्स एरिस्टोटल यूज द वर्ड कैथारसिस इन द डेफिनेशन ऑफ चैप्टर 6th, सॉरी, इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी इन चैप्टर 6 फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले कैथारसिस शब्द का प्रयोग एरिस्टोटल ने चैप्टर 6 ऑफ पोइटिक्स में किया था, जब वो डेफिनेशन दे रहे थे ट्रेजेडी की। सो ट्रेजेडी की डेफिनेशन देते हुए एरिस्टोटल ने सबसे पहले कैथारसिस शब्द का यूज किया चैप्टर 6 में। आगे देखते हैं। इन हिज थ्योरी ऑफ मिमेसिस प्लेटो सेज दैट ऑल आर्ट इज मिमेटिक बाय नेचर, आर्ट एज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। टू आर्ग्यू हिज केस ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ चेयर। जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ मिमेसिस है, जिसमें वो कहते हैं कि सारे आर्ट जो हैं वो एक इमिटेटिव नेचर के हैं, सब इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, इस एग्जाम्पल को, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो एग्जाम्पल प्लेटो ने दिया था वो चेयर का एग्जाम्पल दिया था। ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो ने किसका एग्जाम्पल दिया था, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ चेयर। फिर आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी, ये किसने बोला है? ये प्लेटो ने बोला है। प्लेटो वॉज ओरिजिनेटर ऑफ द थ्योरी ऑफ इमिटेशन इन लिटरेचर। थ्योरी ऑफ इमिटेशन के जो फाउंडर हैं, जो ओरिजिनेटर हैं, वो प्लेटो हैं। फिर डिनाउमेंट, ये होता है एंडिंग ऑफ कॉमेडी। इन प्लेटो आयंस एज इन फ्रॉग्स ऑफ
एरिस्टोफेन्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म टेक्स द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक डायलॉग। जैसा कि कहने का यहाँ ये मतलब है कि प्लेटो के जितने भी वर्क हैं, जैसे आयन हो गया, जॉर्जिया हो गया, तो ये सारे, रिपब्लिक हो गया, इस सभी वर्क के बारे में हमने बात किया है प्लेटो के चैप्टर में, मतलब जो अब हम उनका लेक्चर कर रहे थे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो आयन है या फिर जितने भी वर्क हैं प्लेटो के, वो सब ड्रामेटिक डायलॉग के फॉर्म में हैं। और ये जो फ्रॉग्स है, ये एरिस्टोफेन एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्रिटिक के रूप में भी उनको देखा जाता है, सो उनका ये वर्क है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू प्लेटो इन लॉज द आइडियल एज ऑफ पोएट कितना होना चाहिए, दैट इज लेस देन 50 years। सो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपने लॉज, जो उनका वर्क है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो आइडल एज है पोइट्स का, वो लेस देन 50 years होना चाहिए। प्लेटो ब्रिलियंट यूज ऑफ एलोगोरिकल इमेजरी लाइक दैट ऑफ सोल एज अ चैरिटर एंड हायर एंड लोअर पैशन एज हिज पेयर ऑफ हॉर्सेज इन फेड्रस। सो फेड्रस जो एरिस्टोटल, सॉरी प्लेटो का जो वर्क है फेड्रस, उसमें उन्होंने एक एलोगोरिकल इमेजरी का यूज़ किया है। वो इमेजरी क्या है कि उन्होंने सोल को कंपेयर किया है, जो मतलब जो चैरिएटर होता है उससे, और जो पैशन है, जो ह्यूमन पैशन है, उसको उन्होंने कंपेयर किया है दो पेयर ऑफ हॉर्सेस से, जो उस रथ, चैरिएट का मतलब होता है रथ, सो उस रथ से बंधे हुए जो दो घोड़े हैं, उनको उन्होंने पैशन से किया है, और जो रथ को चलाने वाला है, दैट इज सोल, वो आपकी सोल है। सो इससे उन्होंने ये जो इमेजरी है वो उन्होंने फेड्रस में अपने दिया है। फिर शाली ने ट्रांसलेट किया था आयन को, आयन इज़ द वर्क ऑफ प्लेटो, और वो इस वर्क को ट्रांसलेट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे इस वर्क से। सो येस, अब आगे बढ़ते हैं 20 इन पोएटिक्स एरिस्टोटल राइट्स इन अ सिंपलर एंड अ रिस्ट्रिक्टिव सेंस द एक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज नॉट लॉन्गर देन वन डे। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो अब अपनी पोइटिक्स में लिखा है कि जो एक्शन है वो ट्रेजेडी में एक दिन से लंबा नहीं होना चाहिए। फॉर पोइट्री एरिस्टोटल सेज, पोइट्री के बारे में एरिस्टोटल क्या लिखते हैं इन पोइटिक्स, अपने पोइटिक्स में, दैट Having passed through many phases, reached its natural form and there it stopped. So ये जो इन्होंने quotation दिया है, ये poetry के लिए उन्होंने बोला है, ये saying जो है poetry के लिए है। So don't take tragedy अगर ये आए तो। फिर according to Aristotle, imagination, symbol and paradox are characteristics of tragedy. So ये किसके correct characteristics हैं, ये जो है ट्रेजडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। इन पोइटिक्स एरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट पोइट्री इज मोर फिलोसॉफिक एंड मोर सीरियस देन हिस्ट्री। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पोइटिक्स में जो पोइट्री है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो उनका वर्क है पोइटिक्स, उसमें उन्होंने बोला है कि जो पोइट्री है वो हिस्ट्री से ज़्यादा फिलोसॉफिक है और ज़्यादा सीरियस है। इन ग्राम बाई वेट्स Translated Aristotle's Poetics and considered as classic. जो Aristotle का Poetics है उसको translate किया Ingram ने, और उस जो translated work है उसको उन्होंने classics के रूप में consider किया गया है। Of all philosophers, ये जो quotation है, ये quote दिया Sir Philip Sidney ने, बोला है इस बात को प्लेटो के लिए। सो प्लेटो के लिए सर फिलिप सिडनी ने बोला कि ऑफ ऑल फिलोसोफर, इनके लिए इन्होंने यूज़ किया। पोइटिक्स बाय एरिस्टोटल कंटेन्स 26 चैप्टर, पोइटिक्स में 26 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6 to 19, ठीक है। एरिस्टोटल्स पोइटिक्स डील विद ट्रेजेडी, चैप्टर 6 से चैप्टर 19 जो पोइटिक्स का जो चैप्टर है उसमें एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डील किया है। अब पोइटिक्स को इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर जो चैप्टर 1 to 5 है, वो इंट्रोडक्टरी रिमार्क है पोइट्री के ऊपर। सो चैप्टर 1 to 5 इज अ इंट्रोडक्टरी रिमार्क ऑन पोइट्री। चैप्टर 6 to चैप्टर 19 डील विद ट्रेजेडी, ठीक है। चैप्टर 20 to 22 डील विद द डिस्कशन ऑफ पोइटिक डिक्शन, स्टाइल एंड वोकैबुलरी। फिर चैप्टर 23 नैरेटिव पोइट्री एंड ट्रेजेडी के बारे में डील करता है। चैप्टर 24 to 26 ये कंपेयर करता है ट्रेजेडी को एपिक से।
एंड चैप्टर जो 25 है ये ऑब्जेक्शन है ऑफ क्रिटिक्स अगेंस्ट पोइट्री. सो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है. एरिस्टोटल डिस्कार्ड द थ्योरी ऑफ इमिटेशन ऑफ प्लेटो. प्लेटो के थ्योरी ऑफ इमिटेशन को डिस्कार्ड किया है एरिस्टोटल ने. उन्होंने साथ ही साथ ऑर्नैकुलर मेथड और प्लेटो का जो डायलेक्टिकल मेथड है उसको भी इन्होंने डिस्कार्ड किया है. T.S. Eliot ने एरिस्टोटल के बारे में बोला है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस. यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ये जो जो कोट है ये दिया गया है एरिस्टोटल को बाय T.S. Eliot. अ परफेक्ट क्रिटिक इलियट ने एरिस्टोटल को कहा है. एरिस्टोटल का जो पोइटिक्स है वो डील करता है आर्ट ऑफ पोइट्री से और रेटोरिक्स है जो वो डील करता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग से. थ्री यूनिटीज हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस. पूरा नाम था प्लेटो के एकेडमी का रिक्रिएशन स्पॉट एकेडमी. ये एकेडमी आप जब भी प्लेटो को पढ़ोगे तो आपको एकेडमी बार बार सुनने को आएगा. सो उनके एकेडमी का पूरा नाम था रिक्रिएशन स्पॉट एकेडमी. प्लेटो बिलोंग टू नॉर्मेटिक स्कूल. नॉर्मेटिक स्कूल से कौन बिलोंग करता है? प्लेटो बिलोंग करते हैं. प्लेटो यूज डाइडेक्टिक मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म. ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल यूज इंडक्टिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म. ठीक है, प्लेटो इज कॉल्ड कंप्लीट ग्रीक. कंप्लीट ग्रीक प्लेटो को कहा जाता है. कभी कभी ये टर्म आ जाएगा कि कंप्लीट ग्रीक और ये किसके बारे में कहा गया है. आपको ऑप्शन दे देगा, एरिस्टोफेन दे देगा, प्लेटो दे देगा, एरिस्टोटल दे देगा, सोक्रेटिस दे देगा. लेकिन ये बात याद रखिए कि कंप्लीट ग्रीक हमेशा प्लेटो को कहा गया है और किसी को नहीं. आइडियाज आर द अल्टीमेट रियालिटी. ये प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में बोला है. और यहाँ पे आइडिया सिर्फ आइडिया नहीं है. जैसे हमारे यहाँ फिलोसफी में सोल को माना जाता है कि एक अल्टीमेट ट्रूथ है और जो अजर अमर शाश्वत है, उसी तरीके से सोल को ही उन्होंने आइडिया बोला है प्लेटो ने. और वहाँ पे उन्होंने बोला कि आइडियाज आर अल्टीमेट रियालिटी. सो यहाँ आइडियाज का मतलब सोल से है, उस चीज़ से है जो कभी ख़त्म नहीं होती. सो ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, ये रिपब्लिक में बोला है प्लेटो ने. फिर कुछ नोटेबल वर्क देख लेते हैं एरिस्टोटल का. वो है ऑन जनरेशन एंड करप्शन, ओड टू वर्च्यू, रिटोरिक पोएटिक्स, मेटाफिजिका, ऑन इंटरप्रिटेशन. सो ये कुछ 40 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट एरिस्टोटल एंड प्लेटो. और ये मैक्सिमम मैंने जो UGC नेट पे जो क्वेश्चन आए हैं वहाँ से उठाया है और कुछ और दो एक दो पेपर से उठाया है. सो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और यूज़फुल होगा आपके लिए. इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि पूछना चाहिए. अगर कुछ ऐसा मिलता है मुझे जो और इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं तो वो मैं डेफिनेटली आप तक पहुँचा दूँगी. और अब हम आगे बढ़ेंगे, होरेस और लॉन्गजाइनस को देखेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें. और इस तरीके से उनके बारे में भी सारा फैक्ट्स हम कलेक्ट करके आपके सामने ले आएंगे, जिससे कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन हमसे छूटे ना और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके. इसी के साथ ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. और आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए. स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.